सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। राम रहीम की एक बार फिर बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है, क्या पता इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो। दरअसल बठिंडा के कांग्रेस पार्षद इकबाल सिंह ढिल्लन रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा मुखी राम रहीम से मुलाकात करने के लिए उसकी मां के साथ ड्राइवर बनकर पहुंच गए, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी। वीरवार को राम रहीम की मां नसीब कौर उससे मिलने के लिए सुनारिया जेल पहुंची थी। उसकी गाड़ी को चलाकर कांग्रेस नेता इकबाल सिंह ले गए थे, जिन्होंने जेल की मुलाकात रिकॉर्ड में अपना नाम इकबाल सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह पता कोठी नंबर 323 भारत नगर बठिंडा दर्ज करवाया था। जैसे ही शहर के लोगों को पता चला कि कांग्रेसी पार्षद आरोपी राम रहीम से मिलने गए थे तो विरोधियों ने जमकर भड़ास निकाली और उनके इस कृत्य पर ऐतराज जताया। कांग्रेसी नेता भूपिंदर सिंह गोरा ने कहा कि कांग्रेस पार्षद इकबाल सिंह का चेहरा बेनकाब हो चुका है, ऐसे पार्षद ही अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने शंका जताई कि हो सकता है लापता हनीप्रीत भी इस पार्षद के संपर्क में हो। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।